the next. कार्ड, इस कार्ड की जो इमेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इमेज है. आप देखेंगे तो मून इज देयर इन द स्काई और नीचे जो एनिमल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करके दे आर हाउलिंग एज इफ दे देमसेल्व्स डोंट नो. फिर वाटर एलिमेंट इस कार्ड में काफी दिख रहा है, पीछे भी एक नदी दिख रही है, इधर भी एक लेक सा है जहां से एक बिच्छू निकल के आ रहा है. सो इन अ वे मून हैज द पावर ऑफ पुलिंग आउट थिंग्स. फिर यहाँ पे मून अगर आप देखेंगे क्रेसेंट में भी है, फुल में भी है और एक बहुत कंफ्यूज्ड सा स्टेट दिख रहा है. लेकिन मून को हम एसोसिएट करते हैं स्पिरिचुअल पावर से भी, हमारी इंट्यूशन से भी. सो लेट्स सी व्हाट द फुल स्टोरी इज अबाउट. अब स्टार को फॉलो करते करते फूल रात का सफर तय करके आ गया और यहाँ पे वो देखता है कि फुल मून है और पानी पे जैसे एक पाथ पूरा शाइन कर रहा है कि वो पाथ फूल को फॉलो करना है या फूल को उस पे चलना है. फूल को पहले तो लगता है कि वो काफी डिसओरिएंटेड सा है, फोकस नहीं कर पाता, उसे ऐसा लगता है जैसे वो नींद में चल रहा है. मून के नीचे वो चल रहा होता है और दो पिलर्स हैं जो पुराने भी हैं और बहुत अजीब भी हैं. फिर जब वो देखता है तो उसे एक और लैंड दिखता है और ये अगर आप ध्यान देंगे, नाउ आई एम पुटिंग अगेन द पिक्चर, प्लीज पे अटेंशन हियर. हाई प्रीस्टेस के कार्ड में हमने क्या देखा था, दो इस तरीके के पिलर्स थे और इसके बीच में एक पोमोग्रेनेट प्रिंट वाली चादर सी थी, एक वेल था. तो हाई प्रीस्टेस के टाइम पे हमने इसका दूसरा किनारा देखा था, अब हम इसका ये वाला एंड भी देख रहे हैं, देयर इज नो वे. तो वही चीज फूल डिस्कवर करता है. उसे लगता है कि जब हाई प्रीस्टेस के साथ वो था तो उसने ये डार्क लैंड की हिंट्स देखी थी उस कर्टन के थ्रू और जब वो ट्री से उल्टा लटका था हैंग्ड मैन में तो उसको ऐसा लगा था कि फिजिकल वर्ल्ड के और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में ये है, ये जगह है. नाउ He is at least के ये उस पर्दे के उस पार है, अब ये दूसरी तरफ देख पा रहा है. तो जो मिस्ट्रीज इसके दिमाग में थी जिनके इसको जवाब नहीं मिल रहे थे या एंशियंट पावर्स थे, ये सब चीजें अब इसके सामने क्लियर है. और ये लैंड दिखता कैसा है, ये लैंड ऐसा है कि यहाँ पे जितने क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पोएट्स हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हैं, ये सब अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. देन वुल्फ्स हाउलिंग इन होमेज टू द मून. अब वुल्फ्स हमें दिख रहे थे मून की तरफ ऊपर मुंह उठा के, एंड दे आर हाउलिंग. अब ये क्या कर रहे हैं, वो वाइल्डली मूव कर रहे हैं. Creatures from childhood nightmares and fantasies peer from shadows. अब जो creatures हम देख रहे थे जैसे बिच्छू आ रहा है बाहर, तो ये सब क्या था कि पुरानी memories के nightmares के हिस्से थे, तो ये भी बाहर आने लगे. एक तरह से वो जितने भी डर मन में छुपे थे वो सारे डर इस moon की light में बाहर आने लगे. और ये आप कभी भी आजमाइएगा कि वेन एवर यू हैव अ फेज ऑफ मून, इधर इट इज फुल मून और न्यू मून, तो हमारे इमोशंस अपने आप बाहर आते हैं. एंड दैट रिमाइंड्स मी टुडे इज न्यू मून. सो ऑल दोज हु प्रैक्टिस अबंडेंस चेक रिचुअल या कुछ ऐसा तो आप लोग जरूर करें. नाउ द पाथ ऑफ फूल वॉज वॉकिंग इज नाउ अ रिवर. पहले तो वो चल के आ रहा था, अब आगे वो देख रहा है कि रिवर पे है. तो और कहां खड़ा है वो, उसके हिप्स तक पानी आ गया है.
और कोई किनारा नहीं दिख रहा। एक छोटी सी बोट है लेकिन उस बोट पे कोई चप्पू नहीं है, दैट ओर इज नॉट देयर, जिसे चला के वो आगे बढ़ेगा। तो फूल को ये रियलाइज करता है कि उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो खुद को वो इस जगह पे खो देगा, और इस जगह में इतनी कंफ्यूजन है, इतने इल्यूशंस हैं कि अगर खो देगा तो शायद कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा, या फिर इस बोट पे सवार हो जाए और खुद पे और रिवर पे इतना विश्वास रखे कि कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। तो दोनों तरीके से मून कंट्रोल करेगा। अब बोट में कैसे कंट्रोल करेगा, मून कंट्रोल्स द टाइड्स, रिवर के वेव्स, तो वो सरेंडर कर देता है टू द पावर ऑफ अनकॉन्शियस एंड नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये पावर्स कहीं ना कहीं तो उसे ले जाएंगे। फिर जैसे जैसे पानी उसे स्वीप करके ले जा रहा है, मून बीम्स लाइट हिज पाथ, और उसे लगता है कि जो मिस्ट्रेस ऑफ डार्क है वो उसकी तरफ देख रही है, जैसे हाई प्रीस्टेस की आंखों ने ये चीज अप्रूव कर दी हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ने उससे क्या कहा था कि वील मीट अगेन व्हेन यू आर रेडी टू हैंडल। तो इसका मतलब अब फूल को वो चीजों का पता चल गया है कि हाई प्रीस्टेस उसे इशारे दे रही है कि ही हैज टू स्टेप अहेड। अब इस कार्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स वुड बी सबकॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, ड्रीम्स, इल्यूशंस, फैंटेसीज, अनजाने डर, धोखा, इनस्टेबिलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स, हैबिट्स, क्रिएटिविटी, मूड्स, टेम्परमेंट, स्किल्स, ये सारे आपके कीवर्ड्स हो गए। बेसिक सिंबल्स क्या है, जो पूल है वो आपकी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, जो इसमें वो स्कॉर्पियो बाहर आ रहा है, दैट इज इन अ वे रिप्रेजेंटिंग योर इनर मोस्ट फियर्स फोर्सिंग देयर वे आउट। हाउलिंग वुल्फ एंड डॉग, ये पागलपन सजेस्ट कर रहे हैं। जो दो पिलर्स है, एक पिलर कॉन्शियस माइंड है और दूसरा सबकॉन्शियस। मून सिंबलाइज करता है हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को, ड्रीम्स को, फैंटेसीज को, और मून की तरह ही ये भी अनप्रिडिक्टेबल है। इस कार्ड में आप क्या बोलेंगे, यू गोइंग टू से दैट देयर इज अ नीड टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, हो सकता है कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हो, तो उस केस में आप अपनी इंटेंशन पे भरोसा कर, इंट्यूशन पे भरोसा कर सकते हैं। अब अगर यही कार्ड आता है और आपकी क्वेरी काम से रिलेटेड है, तो आप उस केस में क्या बोलेंगे, यू गोइंग टू से दैट मिस्ट्री सराउंड्स द वर्क इश्यूज। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो रिलेशनशिप जो है वो फेजेस के थ्रू निकल रहा है, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, चाहे वो पोएटिक हो, चाहे वो रोमांटिक हो। फाइनेंसेस फ्लक्चुएट, क्योंकि मून के फेजेस भी फ्लक्चुएटिव होते हैं। हेल्थ में लम्स या सिस दिख रहे हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है, रिवर्स कार्ड दिखाता है डिप्रेशन को, अल्कोहलिज्म को, ड्रग्स को, हॉस्पिटलाइजेशन को, और इस कदर गुस्से को कि इंसान पागल हो सकता है। गाइडलाइंस ऐसे में आप क्या देंगे, मसाज थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी ऑन फीट, दीज आर डिनोटेड बाय द मून। मैजिकल एसोसिएशंस वुड बी कलर में सिल्वर, हर्ब में वेलेरियन, ऑयल में लेमन ग्रास, और जेम स्टोन में मून स्टोन।